परंतु गुजरात के जो नतीजे आए हैं उस पर आप अपनी प्रतिक्रिया दें। गुजरात के सभी मतदाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा रखा, अपने प्रधानमंत्री का जो सपना था कि हम उनका रिकॉर्ड तोड़कर भूपेंद्र भाई का रिकॉर्ड बनाए, और रिकॉर्ड बनाने के लिए आप लोगों का सहयोग रहा, और इसके साथ में जो विकास के लिए हम काम करते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भरोसा कायम करने के लिए आने वाले समय में भी ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ के विकास की राजनीति करेंगे। आप लोगों ने भी बहुत मेहनत किया है, प्रधानमंत्री की तो बात है ही, उन्होंने कैंपेन जबरदस्त किया तो, लेकिन जो आंकड़े हैं वो आंकड़े उम्मीद से ज़्यादा नहीं लगते आपको? ज़्यादा मतलब जो हमारे वोट शेयर है वो भी बड़ा है, लोगों का जो 49 से हम लोग इतने 54% तक वोट शेयर पर पहुंचे, सीटें भी बड़ी है, तो लोगों का भरोसा तो बढ़ता गया है, और इसमें मुझे लगता है कि कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना हम लोगों का है वो गुजरात से शुरू होगा। सबसे कम रिकॉर्ड उनका हुआ होगा, और जो थर्ड पार्टी राजनीति करने आती है वहाँ पर उनको भी जवाब मिल गया कि यहाँ पर कोई तीसरी पार्टी का काम नहीं है, जो एक कमिटेड वोटर्स है जो कांग्रेस का ऑप्शन ढूंढ रही है वो शायद आप में मिल गया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रति विश्वास उनका कायम है, और 50% से ज़्यादा लोगों ने विश्वास कायम किया, 50% से ज़्यादा वोटिंग हुई, तो इससे ज़्यादा पूर्ण बहुमति वाली सरकार कोई और नहीं हो सकती। तो प्रधानमंत्री के बारे में कुछ बोलना चाहेंगे? नहीं, वो तो हमारे कुटुंब के नेता है, G20 समिट के समय में जब हम लोग पूरी दुनिया को शोकेसिंग कर रहे हैं विश्वदेव कुटुंब की तरह, तो एक गुजरात में उन्होंने परिवार की तरह संभाला है, लीड किया है, एक मॉडल बनाया है, तो ये परिवार के मोपी के नाते, अपने बड़े भाई के नाते उन्होंने हम सबको जो मार्गदर्शन दिया है, जो कड़ी मेहनत का एक एग्जाम्पल दिया है, उसी राह पर हम लोग चलते हैं। ठीक मैम, थैंक यू मैम।